प्रदेश व्यापी एम्बुलेंस स्ट्राइक सूबे के प्रतापगढ़ में समाप्त हो गई है, जिसके बाद एम्बुलेंस से जुड़ी सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं। धरना समाप्त कराने में सीएमओ का प्रयास अनवरत जारी रहा है, जिनके प्रयास से एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धरना समाप्त किया। दरअसल पुलिस बल के साथ पहुंचे सीएमओ के समझाने बुझाने और मानवता की दुहाई के बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारी एम्बुलेंस सेवा बहाल करने के लिए राजी हो गए और सभी एम्बुलेंस अपने पॉइंट पर पहुंच गई हैं, जिसके साथ ही पूरी तरह से सेवा बहाल हो गई। हालांकि कुछ कर्मचारी लखनऊ जाने की तैयारी में है, लेकिन इससे आकस्मिक सेवा पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मचारी अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं और जिले में 82 एम्बुलेंस उपलब्ध है। एम्बुलेंस की जो कार्य बहिष्कार स्ट्राइक चल रहा था 25 तारीख की मध्य रात्रि से, वो कल की वार्ता और आज की वार्ता के बाद से आज समाप्त हो गया। सभी गाड़ियां ऑन रोड आ गई हैं, सभी अपने लोकेशन पर पहुंच गए हैं और कार्य कर रहे हैं। आधे ड्राइवर सूचना मिल रही है कि लखनऊ जाएंगे आंदोलन में शामिल होने, नहीं बाकी ऐसा है कि 12-12 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है जी, तो 12 घंटे में आधे स्टाफ काम पर रहता है, आधा स्टाफ जो है ऑफ रहता है ना, तो उधर जो ऑफ वाले स्टाफ होंगे वो जाएंगे और तब तक एम्बुलेंस सेवा चलती रहेगी।